हाय छाया, कैसे हो? बस बढ़िया। ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो क्या? कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद देखा ना इसीलिए। अब बाहर खड़े खड़े ही बातें करनी है कि अंदर बुलाओगे? अरे तुम्हारे लिए तो दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जीजू। अरे मैं मजाक कर रहा था। आओ अंदर। वाह, ब्यूटीफुल। आपने तो जीजू घर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ? बहुत दिनों के बाद आई ना मैं, काफी चेंज लग रहा है। अच्छा ये बताइए, दीदी कहाँ है? मेरी ऊपर के कमरे में। ठीक है तो मैं मिल के आती हूँ। ये छाया तो दिन दिन पटाखा होती जा रही है। अब इस छाया को तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा। वो कहता है ना, किस चाली आदि होती है गर्मा, लेकिन इस बार तो इसको पूरे घर वाले बना के ही छोड़ूंगा। दीदी नहीं, दीदी नहीं, ऐसे रोते नहीं। आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग दीदी हो ना। देखो एकदम जल्दी जल्दी अच्छी हो जाओ, आपको तो बच्चा भी आ ही जाएगा। हाँ, और घर का ख्याल, अपने दिमाग से चिंता ही निकाल दो घर की। मैं आ गई हूँ ना तो घर की चिंता निकाल दो। रही बात जीजू की, तो जीजू को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं पूरी तरह से उनका ख्याल रखूंगी। छाया तुम नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी दीदी के साथ बैठता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ मैं नहाने जाती हूँ। अच्छा दीदी आप अपना ख्याल रखो, सो जाओ, दवाई ले लेना, मैं आती हूँ ना के। हाँ क्या कर रही हो? टमाटर काट रही हूँ, देख नहीं सकते? ये तुम्हें टमाटर और गाजर ही पसंद है काटना? क्या मतलब है आपका? यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जैसे इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? इंटरेस्ट है, बिल्कुल है। क्या करे, अब आपके जैसा कोई मिलता भी तो नहीं है ना। मेरे जैसे की कहा बात कर रही हो? मैं ना चल जीजू। हाँ। छाया एक ग्लास पानी ला दे तो। ये लो, फिलर टमाटर से काम चला। बाय। ये लो दीदी पानी। कैसा लग रहा है? ठीक है। बेटर फील कर रही हो ना? अच्छा और कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ खाना है? नहीं। तो फिर मैं खाना बनाती हूँ, तुम आराम करो। कुछ चाहिएगा तो मांग लेना। वाह क्या जोक मारा है जीजू। छाया क्या मस्त चाय बनाई है तूने, एकदम मसालेदार। थैंक यू जीजू। दीदी ऋषभ, हेलो ऋषभ को मैं बात करता हूँ। ये बात क्या? मैं कॉल रख रही हूँ, समझाना। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, ठीक है? क्या हुआ छाया? जीजू ये ऋषभ, क्या कहूँ मैं, बहुत बुरी तरह से बात करता है मेरे साथ।
मैं बात करूं तुम बोलो। आपके जैसे नहीं होते जीजू सब, कितना प्यार करते हैं आप दीदी से। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरवाजा खोलो छाया, दरवाजा खोलो छाया। विकास, विकास कहाँ चला गया? क्या बात है? वाह, जीजा साली दोनों मिलकर के क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हो, बहुत खूब। प्लीज दीदी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी। प्लीज प्लीज माफ कर दो दीदी एक बार। तुम तो मेरी बहन थी, तुमने भी ऐसा किया? विनीता, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम तो मेरे हस्बैंड थे, सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं तुम पर ही करती थी, और तुम भी हमें माफ कर दीजिए। विनीता, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दो। आज के बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। विनीता, ये हमने क्या कर दिया? जो भी हुआ बहुत गलत, बहुत बड़ा पाप किया है हमने, बहुत बड़ा पाप। भगवान भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। आज के इस खास एपिसोड में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो आप सब लोग अपने आसपास होने वाले क्राइम से बचिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।